पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने गिरीश वर्मा का महापौर कैंप कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। स्वागत करते हुए भाजपा के पार्षदों ने पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने गिरीश वर्मा को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। स्वागत के दौरान अपने विचार रखते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने बहुत ही खुशी जताई। जब कोई अपने बीच का कार्यकर्ता आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर संगठन को मजबूत करता है तो बहुत ही खुशी होती है। खुशी जताते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है और वो उसका पूरी निष्ठा से पालन करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ी कठिनाइयों का सामना गिरीश वर्मा ने राजनीति के दौरान किया है और अब उनकी मेहनत का फल पार्टी के द्वारा उन्हें दिया गया है। जब अपने बीच का कोई कार्यकर्ता पार्टी के द्वारा सम्मानित होकर किसी पद पर पहुंचता है तो मन को और दिल को बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही आज हम लोगों के बीच में हमारे पूर्व में पार्षद रहे श्री गिरीश वर्मा, जो अब पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में नामित होकर आए हैं, तो आज उनका अपने कैंप कार्यालय पे अपने सभी पार्षद बहनों के द्वारा और भाइयों के द्वारा उनका अभिनंदन स्वागत समारोह किया गया और अपनी पुरानी स्मृतियों को भी ताज़ा किया गया। और गिरीश वर्मा जी को मैं आने वाले काम कार्य के लिए, आने वाले समय के लिए सुंदर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इससे पिछड़े वर्ग के अंदर पार्टी को भी एक मजबूती मिलेगी और पिछड़ों के अंदर भी एक विश्वास का जागृत हुआ है कि जसवंत सैनी हमारे अध्यक्ष जो हमारे चुनाव में थे और सारे जो अन्य हमारे कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी ने आज स्थान दिया है। पार्टी नेतृत्व का भी धन्यवाद, उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद और महानगर के संगठन का भी धन्यवाद। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने गिरीश वर्मा को शुभकामनाएं दी और कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसका भली भांति पालन करेंगे और 2022 को मजबूत करने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के महापौर विनोद अग्रवाल जी के कैंप कार्यालय पर नगर निगम के सभी पार्षदगण ने आज हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मेरे भाई आदरणीय गिरीश वर्मा जी का यहाँ स्वागत कार्यक्रम किया है। वो एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो संघर्ष किया है मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ और इसका उन्हें पार्टी ने इनाम दिया, इसका हम सभी जो उनका किस तरह की उम्मीदें रहेंगी उनसे, हमसे उनसे हमारे संगठन को यही उम्मीद है कि जिस तरह से उन्हें संगठन में पहले काम करते रहे आगे भी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से मिलकर वो आगे काम करते रहे। आज आदरणीय पिछले वर्ग आयोग के सदस्य माननीय गिरीश वर्मा जी का स्वागत समारोह पार्षद द्वारा नगर निगम कैंप में रखा गया। मैं तहे दिल से उनको शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ और बहुत खुशी होती है जब एक बूथ से निकला हुआ कार्यकर्ता एक परम शिखा पर पहुंच जाए। गिरीश वर्मा जी, आदरणीय गिरीश वर्मा जी एक उदाहरण है हम सभी के लिए कि हमें मेहनत करती रहना चाहिए, फल ज़रूर मिलेगा। पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बीच का संगठन का कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जगह दी। मैं पुनः आभार आदरणीय बड़े भाई गिरीश वर्मा जी को देती हूँ। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने गिरीश वर्मा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में जिम्मेदारी सौंपी है, उसको वो बड़ी ही निष्ठा के साथ निभाएंगे। साथ ही 2022 में पिछड़ा समाज पार्टी के साथ खड़े रहकर अपनी निष्ठा का परिचय देगा। इस अवसर पर गिरीश वर्मा ने स्वागत करने वाले महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महापौर विनोद अग्रवाल, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और सभी पार्षदों का आभार जताया है।
ये मेरे परिवार के सब पार्षद लोग हैं। मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी पार्षद के रूप में हुई थी, तो इन लोग का मन था कि हमारे बीच के व्यक्ति शासन में पहुँचे हैं, हम इनका स्वागत करें। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस बात से कि आप सब ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरा साथ दिया है, और मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं हर समय इनके साथ हूँ। और शासन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, मैं अपना एक एक मिनट का एक एक समय बिल्कुल पार्टी के दिए निर्देश के अनुसार काम करूंगा और सबके साथ रहूंगा। आगामी कोई रणनीति शेयर करना चाहेंगे? हमारा लक्ष्य 2022 फतेह करना है। अभी जिला पंचायत हम जिस बहुमत से जीते हैं, जिस प्रकार सब जगह न्यूज़ चल रही थी वहाँ भी जीत गए, मेरी इच्छा है कि हम विधानसभा भी ठीक उसी प्रकार, जब न्यूज़ हो, अंकित जी बोल रहे हो तो पता लगा कि रामपुर में सब जीत गए, अमरावती सब जीत गए, मेरी इच्छा है, उसके लिए मैं अपना 100% सहयोग करूँगा।